तो राम राम सही भाइयों को क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों आप सबको पता ही है टाटा टियागो और टाटा टिगोर सीएनजी के साथ आने वाली है, तो फाइनली अब टाटा अल्ट्रोस भी आपको सीएनजी के साथ लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। ये एक प्रीमियम हैचबैक रहने वाली जो कि सीएनजी के साथ आने वाली है, और साथ ही साथ टाटा अल्ट्रोस 5-स्टार रेटेड गाड़ी है। 5-स्टार रेटेड गाड़ी में सीएनजी पहली बार दोस्तों लॉन्च होने वाली है। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, टाटा अल्ट्रोस का प्राइस क्यों आने वाला है सीएनजी के साथ, कौन से वेरिएंट में आपको सीएनजी के साथ मिलने वाली है, कितना बूट स्पेस मिलेगा आपको सीएनजी के साथ, कौन सा इंजन आपको मिलेगा सीएनजी के साथ, ये कितना माइलेज देने वाली है, इसका सीएनजी टैंक कितना बड़ा होने वाला है, तो सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैं यही बताऊंगा ये गाड़ी कब लॉन्च होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको वही टाटा टियागो और टाटा टिगोर में मिलने वाला 3-सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। पावर की बात करें तो ये इंजन आपको 80 पीएस के आसपास पावर प्रोड्यूस करेगा सीएनजी में, तो काफ़ी पावरफुल इंजन होने वाला है। आप सबको पता ही है टाटा अल्ट्रोस की जो परफॉर्मेंस है अच्छी खासी है, कोई भी आपको लैग नहीं मिलेगा इसमें इंजन में आपको। उसके बाद अगर माइलेज की बात करें तो ये अल्ट्रोस आपको सीएनजी के साथ हाईवे पर 27 प्लस का माइलेज और सिटी में आपको 20 प्लस का माइलेज आराम से निकाल देगी, तो काफ़ी पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट इंजन ये होने वाला है। बाकी ये सीएनजी सिलेंडर की बात करें तो इसमें आपको 12 केजी का सीएनजी सिलेंडर मिलने वाला है, जिसमें 7-8 केजी गैस आराम से आपको मिल जाएगी। तो अगर हम इसकी फुल रेंज की बात करें तो ये गाड़ी आपको एक फुल गैस में 200 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 200 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल जाएगी। उसके बाद अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो सीएनजी के साथ इस गाड़ी का बूट स्पेस आपको डिसेंट साइज का बूट स्पेस मिलेगा। आप सबको पता ही है टाटा अल्ट्रोस की जो डिक्की है वो काफ़ी अच्छी खासी है, तो सीएनजी के साथ भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा। तो अगर हम वेरिएंट की बात करें कि टाटा अल्ट्रोस आपको किस वेरिएंट में सीएनजी के साथ मिलने वाली है, तो इसके XM वेरिएंट में आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत वैल्यू फॉर मनी है और उसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें कि टाटा अल्ट्रोस सीएनजी का प्राइस क्या होने वाला है, दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपको नॉर्मल टाटा अल्ट्रोस से आपको 80-90,000 महंगी मिलने वाली है, क्योंकि एक तो इसमें आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिलेगी, दूसरा ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट रहने वाली है, और तीसरा इसमें आपको कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन मिलने वाला है, यानी कि आपको बाहर से सीएनजी लगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन टाटा अल्ट्रोस में मिलने वाला है। अगर हम टाटा अल्ट्रोस सीएनजी के लॉन्च डेट की बात करें तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये गाड़ी 2022 में लॉन्च होने वाली है, क्योंकि पहले आपको टाटा टिगोर और टाटा टियागो सीएनजी में मिलेगी, उसके बाद ये टाटा वाले इसका रिस्पांस देखेंगे, अगर उसका रिस्पांस अच्छा हुआ सीएनजी के साथ तो ही टाटा अल्ट्रोस लॉन्च करेंगे दोस्तों। तो इसलिए पहले टाटा टिगोर और टाटा टियागो आने वाली है, उसके बाद ये गाड़ी लॉन्च होगी, जो कि 2022 में आपको सीएनजी के साथ ये गाड़ी दिखने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आप टाटा अल्ट्रोस लेने की सोच रहे हैं तो आप 2022 में दोस्तों वेट कर लें, क्योंकि 2022 में ही आपको सीएनजी के साथ मिलने वाली है, काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी होने वाली है, क्योंकि अगर इसका रिस्पांस सीएनजी के साथ अच्छा हुआ तो ही दोस्तों टाटा वाले अपनी सारी गाड़ियों में सीएनजी का ऑप्शन दे देंगे। तो यही था दोस्तों टाटा अल्ट्रोस सीएनजी के बारे में, कौन कौन इस गाड़ी का वेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये गाड़ी कैसी लगी सीएनजी के साथ, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को भी पता चले टाटा अल्ट्रोस सीएनजी के बारे में। और ऐसे ही दोस्तों मेरे चैनल में प्यार बनाए रखो, अपना सपोर्ट बनाए रखो, और दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स हो कार से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।